सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश पिन्याल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ और अपडेट्स देना चाहते हैं जो हमें प्राप्त हुई हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारी गुजारिश है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे आगे आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हर इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहें। वो सभी स्टूडेंट जो 4 जून 2022 को FMG का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं और अब वो अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं अप्लाई कर पाए क्योंकि 31 मार्च से पहले 3-4 दिन तक के लिए NMC का पोर्टल डाउन था, तो आप सभी को अपडेट देना चाहते हैं कि 7 अप्रैल शाम को 4 बजे तक आप वापस से अपने एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कीजिएगा और जो स्टूडेंट दिसंबर में एग्ज़ाम्स लिखना चाहते हैं वो भी अभी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने 2018 और 2019 में नीट क्वालिफाई कर लिया था, ये एम्फेसिस हमारे वीडियो में दोहराते हैं कि जिन स्टूडेंट ने 2018 और 2019 में नीट क्वालिफाई कर लिया था उन स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करने की नीड नहीं है। यदि आप अप्लाई कर देंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, जो आपकी 2360 रुपये की 2360 रुपीज़ की जो अमाउंट है वो आपको रिफंड नहीं मिलेगी। इसके अलावा दूसरी अपडेट ये है कि वो सभी स्टूडेंट्स जिनकी क्वेरीज थी कि 2023 में नेक्स्ट होगा या FMG होगा, 2023 में नेक्स्ट होगा और दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा FMG का वो शायद लास्ट एग्ज़ाम होगा FMG के लिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होगा जिसमें इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स और अब्रॉड के मेडिकल ग्रेजुएट्स भी इस एग्ज़ाम को अपीयर करेंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि FMG 2002 एक्ट में वो सभी कंट्रीज एग्जम्प्ट थी, US, UK, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज से जो भी स्टूडेंट अपनी मेडिकल की UG, PG एजुकेशन कंप्लीट करते थे उनको FMG नहीं देना पड़ता था, लेकिन नेक्स्ट इंप्लीमेंट होने के बाद इन 5 कंट्रीज से भी जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको भी नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये पहले FMG 2002 में नहीं था, लेकिन FMG 2021 के बाद अब इन्होंने जो कुछ रिप्लाइज़ हैं उनमें इन्होंने ये चीज़ क्लियर किया है कि उन स्टूडेंट्स को भी एग्ज़ाम्स देने हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने जनवरी, फरवरी या FMGL 2021 इम्प्लीमेंट होने के बाद एडमिशन्स लिए हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपके ऊपर ये रूल्स अप्लीकेबल होते हैं। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि वो कजाकिस्तान में जनवरी बैच में एडमिशन लिया है, फेब बैच में एडमिशन लिया है, या उनको एडमिशन लेटर्स बैक डेटेड दिए गए हैं लेकिन उनकी डिग्री जनवरी फरवरी से शुरू हुई है। आप यदि अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा कि आपकी जो सेमेस्टर की मार्कशीट होगी उस पर कब से कब तक आपका कोर्स लिखा हुआ है उसी को ही माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा एडमिशन लेटर्स पे रिलाई मत कीजिए क्योंकि वो कंसल्टेंट्स आगे पीछे की डेट्स में बना देते हैं। आज भी बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जो बांग्लादेश के बैक डेटेड एडमिशन लेटर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन फिर से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश में मई और जून 2022 में आपका सेशन स्टार्ट होगा और मोस्टली आप सभी स्टूडेंट FMGL 2021 के दायरे में आएंगे। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता भी है आपको उस पर्टिकुलर कंट्री में, क्योंकि शुरुआत में गैजेट में और जो FAQs थे उनमें बहुत इधर उधर कुछ घुमा के स्पिन करके लैंग्वेज लिखी हुई थी जो आम इंसान के लिए पढ़ना और उसको समझना मुमकिन नहीं था, लेकिन इन्होंने जो NMC ने जो रिप्लाई दिया था ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में उसमें इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है उस कंट्री में जहाँ से आपने मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट की है। हालांकि अभी भी बहुत से कंसल्टेंट इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम भी ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट का ही काम करते हैं, हम भी मेडिकल में एडमिशन अपलोड कराते हैं, लेकिन हम इस तरीके से नहीं कराना चाहते कि आपको झूठ बोल के आपका एडमिशन कराया जाए और आने वाले 6 साल के बाद आपको तकलीफें झेलनी पड़े। और जो लोग अभी भी आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंपिटेंट होना है, वो कंपिटेंट वर्ड जरूर इन्होंने लिखा है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन वो किस लिए यूज़ किया गया है वो यदि आप थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी पैसा आपका है, फ्यूचर आपका है, जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं। बाकी आपके किसी भी तरह के डाउट्स होते हैं तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। धन्यवाद।